भगवान शिव है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएमजिन और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 2020 सही लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा इसको हम आज के वीडियो में समझेंगे। न्यू सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को ये बता दूं कि आज 4 नवंबर को इस कुंडली एक्सपर्ट चैनल का पूरा एक साल कंप्लीट हो गया है और इसके लिए आप सभी का बहुत आभारी रहूंगा। और आपने इतने दिन तक साथ दिया और आगे उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से साथ देते रहेंगे। तो इस एक साल होने के उपलक्ष्य में दो नई बातें। सबसे पहले तो यहां पर दैनिक राशिफल अब कुछ दिनों में अपलोड होता रहेगा, 5 से 7 मिनट का ये वीडियो होगा। मासिक और साप्ताहिक राशिफल जैसे निकलते थे वैसे चलते रहेंगे। इसके अलावा टोटल एक मोबाइल का एक ऐसा ऐप लाने वाला हूँ जिसको बहुत ही मुश्किल से बहुत ही मेहनत करके, क्योंकि जब चुनाव के दिन चल रहे थे उस समय मैंने बोला भी था कि एस्ट्रोलॉजी को एक नए शिखर पे ले जाना है। तो एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा क्रांतिकारी ऐप जो पूरी दुनिया को बदल देगा, पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाला एक मोबाइल ऐप आने वाला है कुंडली एक्सपर्ट का। और इसमें क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा है कि आपको देख के मज़ा आ जाएगा कि एक्चुअली मैं कैसे ये वर्क करता है। और मेरी गारंटी है जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं वो भी एस्ट्रोलॉजी को मानना शुरू कर देंगे। तो ये दो सूचनाएं थी। वर्ष 2020 के जो राजा होंगे वो बुध होंगे और जो मंत्री होंगे वो चंद्रमा होंगे। इसके अलावा इस साल 4 सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ेंगे। पहला चंद्र ग्रहण 10 दिसंबर को होगा जो कि भारत में देखा जा सकता है। दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून को पड़ेगा जो कि भारत में नहीं देखा जा सकता है। तीसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को पड़ेगा जिसको भारत में भी देखा जा सकता है। और लास्ट चंद्र ग्रहण जो होगा वो 30 नवंबर को पड़ेगा। इसके अलावा 2 सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाले हैं। पूर्ण खंड ग्रास सूर्य ग्रहण पड़ने वाले हैं इस साल। पहला सूर्य ग्रहण जो होगा वो 21 जून 2020 को पड़ेगा और दूसरा चंद्र ग्रहण 14 दिसंबर 2020 को पड़ेगा। तो आपका पूरा ये साल कैसा बीतने वाला है अगर आपका लगन सिंह लगन है। देखिए मैं राशि से प्रोडक्शन नहीं करता हूँ, इसलिए क्लियरली मैं बता दूं मैं लगन से प्रोडक्शन करता हूँ, क्योंकि लगन हम खुद होते हैं। हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम लगन वाइज ही चेक करेंगे। हालांकि देखिए चंद्रमा और सूर्य दोनों को महत्व दिया जाता है, इसीलिए सुदर्शन चक्र जब हम बनाते हैं तो उसमें चंद्रमा और सूर्य दोनों की लगन को आधार मानकर हम चेक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चंद्रमा को हम नेग्लेक्ट करते हैं। चंद्रमा का यूज कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, लेकिन लगन से प्रोडक्शन मैंने देखा है ज्यादा सटीक बैठता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी कुंडली ओपन करनी है और यहाँ पर आपको एग्जैक्टली मैच करना है कि 5 नंबर लिखा है या नहीं लिखा है। अगर 5 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपका लगन सिंह लगन है। अब आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 नंबर लिखा है तो आपका लगन सिंह हो जाएगा। कई लोग लाइव सेशन में भी पूछते हैं कि लगन क्या होता है, तो लगन इसी हाउस को कहते हैं, ये जो पहला घर होता है इसको लगन कहा जाता है। तो सिंह लगन के लिए कैसा बीतेगा ये साल, तो इसको समझाने के लिए देखिए एक छोटा सा चार्ट मैंने बनाया है जो कि कलरफुल भी है काफी। थोड़े कलर मैंने इसमें यूज किए हैं, देखने में शायद कठिन लगे लेकिन समझने में बहुत आसान। देखिए 1 जनवरी को सूर्य बुध गुरु शनि और केतु ये धनु लगन में रहेंगे, राहु मिथुन में रहेंगे, यहाँ लगन में बोल दिया ये राशि में रहेंगे और ये मिथुन राशि में रहने वाले हैं। इसके अलावा शुक्र जो होंगे वो मकर राशि में रहेंगे।
चंद्रमा तो हर दिन अपनी राशियां चेंज करते हैं, इसलिए चंद्रमा को इस कुंडली में नहीं दिखाया गया है। चंद्रमा को आधार मान के साप्ताहिक और दैनिक राशिफल बनाए जाते हैं। अब हम समझते हैं ये क्या होने वाला है पूरा। तो यहाँ पे जैसे मैंने सूर्य के लिए देखा है, तो सूर्य सबसे पहला जो राशि परिवर्तन करेगा वो 14 जनवरी को, 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करेगा। मकर संक्रांति पड़ेगी 14 जनवरी को, उसके बाद 13 फरवरी को ये कुंभ में जाएंगे, 14 मार्च को मीन में जाएंगे, 13 अप्रैल को उच्च के हो जाएंगे। इसी तरीके से रेड कलर से जो है सूर्य किस दिन किस राशि में जाएंगे इसको दिखाया गया है। इसके अलावा बुध को, बुध धनु में है, पहला राशि परिवर्तन 13 जनवरी को, फिर 31 जनवरी को, और इस तरीके से जो ग्रीन में दिखाया गया है ये सभी बुध से रिलेटेड चीज है। इसके अलावा आप देखिएगा तो एक और कलर यूज किया गया है, ब्लू। ब्लू शुक्र के लिए रखा गया। शुक्र 9 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, 3 फरवरी को, 29 फरवरी को, और ये धीरे धीरे ब्लू वाला जो लिखा गया है ये शुक्र के लिए लिखा गया है। मंगल के लिए ब्लैक कलर यूज किया गया। मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे 8 फरवरी, 22 मार्च, 4 मई, और यहाँ पर जब मेष में रहेंगे तो वक्री हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ऐसे करके घुमाकर डेट लिखा गया है ताकि ये वक्री मोशन को समझा जा सके। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति धनु में पूरे साल रहने वाले हैं, और ये 11 मई से लेके 14 मई से लेके 13 सितंबर के बीच में वक्री रहेंगे। इसके अलावा जो शनि का राशि परिवर्तन होगा वो धनु से निकलकर अपने राशि में चले जाएंगे, स्वगृही हो जाएंगे, और स्वगृही होने के कारण ये छठवें घर में रहेंगे, और छठवें घर में रहने के बाद यहाँ पर 11 मई से 29 सितंबर के बीच में ये वक्री रहेंगे। तो अब हम समझते हैं ये पूरा साल कैसा बीतने वाला है अगर आपका लगन सिंह लगन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंह लगन के लिए आपको जनवरी का मंथ कैसे बीतने वाला है, तो सूर्य जो है राशि परिवर्तन करके मकर में आ जाएंगे, बुध भी मकर में रहेंगे, शनि भी मकर में आ जाएंगे, जबकि गुरु अपने ही घर में रहने वाले हैं। गुरु जो है अपने ही घर में रहने वाले हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति अपने घर में रहेंगे तो शिक्षा के लिए तो एकदम मैं बता दूं बहुत ही अच्छा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आयु का स्वामी शिक्षा में जा रहा है, शिक्षा की जो कंसंट्रेशन होगा वो काफी आपका बढ़ेगा, सुदूर माइंड जो होगा काफी दूर तक सोचेगा, दूर की चीजें आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी, यानी जो फ्यूचर है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जनवरी मंथ में क्योंकि शनि रोग स्थान पे जा रहे हैं और अपने घर में जा रहे हैं, तो यहाँ पर शनि अगर अपने घर में जा रहे हैं साथ में सूर्य भी रहेंगे तो सूर्य पहले प्रवेश करेंगे, तो 14 जनवरी तक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। 14 जनवरी तक आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे, और थोड़ी सी जो साल का स्टार्टिंग होगा उसमें स्टार्टिंग में ही ट्रैवलिंग के योग बन जाएंगे, और ये ट्रैवलिंग का योग आपके लिए बेनिफिट देगा। जिस काम से आप ट्रैवलिंग के लिए निकलेंगे उस काम में आपको सफलता भी यहाँ पे मिलेगी। तो जनवरी का मंथ अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। फरवरी में सूर्य आपके सप्तम स्थान पे रहेंगे, और फरवरी में ही गुरु मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा। मंगल और गुरु जब दोनों साथ में हो जाए, एक तो आपको पता होना चाहिए कि इस लगन की कुंडली में सूर्य अति योग कारक माना जाता है, साथ में मंगल अति योग कारक है क्योंकि नवम और चतुर्थ दोनों स्थानों के मालिक होते हैं। गुरु अति योग कारक है क्योंकि पंचमेश होकर पंचम स्थान पे बैठना गुरु अति योग कारक है। साथ में इस लगन की कुंडली में चंद्रमा व्यय के कारक हैं, तो चंद्रमा आपको खर्च ही कराने वाले हैं। आपके लगन के एंटी तत्व है, आपका लगन अग्नि तत्व है, और ये
ये जल तत्व है, तो जल और अग्नि एक साथ, हालांकि इनको मित्र की संज्ञा दी गई है, लेकिन अगर इनके नेचर को देखा जाए तो नेचर वाइज दोनों अलग अलग तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन सूर्य, मंगल और बृहस्पति ये तीनों ही इस लग्न की कुंडली में अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। अब हम समझते हैं, तो जनवरी का मंथ आपके लिए अच्छा होने वाला है। फरवरी में मंगल को की शिक्षा पे चला जाएगा, तो विद्यार्थी वर्गों के लिए काफी अच्छा, पढ़ाई में मन लगना, प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक कर देना, सफलता मिलना, ये सब कुछ फरवरी मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में थोड़ा सा, क्योंकि लगन पर आपकी दृष्टि पड़ेगी सूर्य की, तो आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएंगे, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, और यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूब सकता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा, और ओवर कॉन्फिडेंट होने से अच्छा है कि आपको आदित्य हृदय ज्योत का पाठ स्टार्ट कर देना चाहिए हर संडे। सूर्य की जितनी आराधना कीजिए, सूर्य आपके ईष्ट देव है, सूर्य को नित्य जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्रोत का जरूर पाठ कीजिए। ऐसा करने से आपके लिए काफी बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर। तो फरवरी का मंथ भी बहुत अच्छा बीतने वाला है। फरवरी में शुक्र आपके अष्टम में चले जाएंगे, तो शुक्र वैसे भी इस लगन कुंडली में सम प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि एक तो दशम स्थान का मालिक है, क्योंकि आप राजा हैं तो आपको कंफर्ट लेवल चाहिए, तो राजा होने के कारण कंफर्ट लेवल शुक्र दिलाता है। लेकिन जब अष्टम में चल जाए तो जहां पर आपका कर्म स्थान है वहां पर थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ये शुक्र के कारण होगा। लेकिन पूरा का पूरा देखा जाए तो बृहस्पति अकेले कंट्रोल करने वाला है, बृहस्पति अपने घर में है, शुक्र वहां पर चले जाए फिर भी ऐसा कुछ निगेटिव नहीं होगा, और ये भी मंथ आपके लिए एवरेज से अच्छा बीतने वाला है। फिर हम फरवरी के बाद मार्च की बात कर रहे हैं, सूर्य अष्टम में चले जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती, मानसिक विकार डेवलप हो सकता है, लेकिन कई रुके हुए काम भी सूर्य यहाँ पर मना देंगे, क्योंकि सूर्य को अष्टम का दोष कभी भी नहीं लगता, किसी भी कुंडली में सूर्य को अष्टम का दोष लगता ही नहीं है, तो इसलिए सूर्य यहाँ पर पॉजिटिव फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और साथ में बाकी प्लैनेट की उपस्थिति जो मार्च में रहेगी उसमें आपका बुध भी ट्रांजिट कर रहा होगा अष्टम में, और अपने उच्च के घर को देख रहा होगा, स्वग्रही होकर देखेगा, सूर्य बुध आदित्य योग बनेगा, तो धन के लिए अच्छा, परिवार के लिए अच्छा, लेकिन वाणी उग्र हो जाएगा, ये एक निगेटिव हो सकता है। इसके अलावा आपका जो अप्रैल मंथ है, अप्रैल मंथ में गुरु बुध जो रहेंगे आपके अष्टम में रहेंगे, सूर्य आपके नवम में रहने वाले हैं, और जो अप्रैल से लेके अगस्त तक के बीच का जो मंथ होगा वो उसमें शुक्र आपके दशम से एकादश स्थान पर रहेंगे। तो यहाँ पे नौकरी में प्रमोशंस, विद्यार्थी वर्गों के प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के चांसेस, पराक्रम बढ़ा रहेगा, मान पद प्रतिष्ठा इस ड्यूरेशन में बढ़ी रहेगी, आपके अंदर एक जब आप किसी काम को हाथ में ले लेंगे तो फिर उसको पूरा किए बिना आप नहीं मानेंगे, और उसको सफलता पूर्वक आप कर भी लेंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे जबरदस्त काम करने वाला है। तो यहाँ पर सूर्य वैसे भी उच्च के हो जाते हैं, और लग्नेश उच्च के हो जाए तो लक से बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए अच्छी हो जाएंगी, और निश्चित रूप से ये मंथ भी आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। मई की बात करते हैं तो मई सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, सूर्य बुध आदित्य योग बनेगा, और मई में बुध आपके एकादश स्थान पे भी ट्रांजिट करेंगे, कुछ टाइम तक तो साथ में रहेंगे, और देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके लगन पे पड़ेगी, तो लगन पे दृष्टि पड़ना अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। और मई और जून की पूरी बात करते हैं, मई और जून इन दोनों मंथ में, मई मंथ जो है एक्सेप्शन
इमोशनली आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों रीजन बता रहा हूं, क्योंकि सूर्य जो है राजा प्लेनेट है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो राजाओं वाली पर्सनालिटी मानी जाती है, सिंह लगन। राजा को कोई रोक नहीं सकता, शेर को कोई रोक नहीं सकता है। तो राजा राजा ही होता है, और अपने घर में आ जाए, घर में तो नहीं आ रहा है, अपने दशम स्थान पे आ जाए जहाँ पे कार्य क्षेत्र माना जाता है, प्रबल हो जाता है, काफी एक्टिवेट हो जाता है, और इस कारण से आपको पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे देगा। और सरकारी अगर आप कर्मचारी हैं तो प्रमोशन के योग, अगर आप प्राइवेट भी काम करते हैं या बिजनेस काम करते हैं तो गवर्नमेंट से, जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ के गवर्नमेंट से कुछ पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर निकल के सामने आएंगी। और सबसे बड़ा जो चेंज होगा वो विद्यार्थी वर्गों के लिए होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में पुनः इस मंथ में भी सफलता मिलने की संभावना है, इसीलिए मैंने करियर और पढ़ाई के लिए ज़्यादा स्टार रेटिंग आपको दी है। हालांकि हेल्थ के लिए देखा जाए तो रोग स्थान का मालिक जो है रोग में बैठ जाए तो रोग को बढ़ा सकता है यहाँ पे, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर यहाँ पर करेगा। अस्पताल को देख रहा है तो अस्पताल के खर्च को बढ़ाएगा, लेकिन क्योंकि इसकी गति मंद होती है तो मंद होने के कारण चीजें धीरे धीरे होंगी, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से चीजें बढ़ जाए, लेकिन फिर भी ये अच्छा फल यहाँ पे देने वाले हैं। तो ओवरऑल जब सूर्य की उपस्थिति जून के मंथ में एकादश स्थान पे होगी तो यहाँ पर शिक्षा में रुकावट के योग बनेंगे, और वैसे भी सूर्य जब बृहस्पति के घर में जाता है तो वहाँ पे खरमास लग जाता है, पूरे मास कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। हालांकि अभी खरमास नहीं लगेगा, लेकिन सूर्य की दृष्टि जब शिक्षा पे पड़ेगी, अति योग कारक है, शिक्षा के घर पे बैठेगा इसलिए उस घर को बढ़ाएगा, अति योग कारक नहीं होता तो प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पर अच्छा फल सूर्य भी देने वाले हैं। वैसे भी पूरे ग्रंथों में यही लिखा है कि एकादश स्थान पे कोई भी प्लेनेट हो उसको दोष नहीं लगता है, एकादश में सभी प्लेनेट अच्छा फल देते हैं, तो एकादश स्थान पे सूर्य भी यहाँ पर अच्छा फल देगा। लेकिन सूर्य के साथ राहु की जब युति बन जाएगी तो वहां पर आपके पिता को थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ सकता है, पिता के लिए अच्छा नहीं होगा, व्यर्थ की मेहनत बढ़ जाएगी आपकी, सुदूर यात्राएं बढ़ सकती हैं, यात्राएं थका देने वाली होंगी, लेकिन फिर भी ये जो देवगुरु बृहस्पति अकेले यहाँ पर है वो आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। और साथ में जो मई और जून वाली मंथ रहेंगे उसमें जो आपका अति योग कारक प्लेनेट है वो मई में खुद सप्तम स्थान पर रहेगा और जून में आपके अष्टम में आएगा, और अष्टम में आके ये कई बार एक बार ये घूमेगा 16 अगस्त फिर 4 अक्टूबर फिर 24 दिसंबर, तो जब ये वक्री होगा तो वक्री होने में आपको थायराइड की प्रॉब्लम दे सकता है, वाणी को उग्र कर सकता है, तो इस साल थोड़े आप एग्रेसिव मोड में ज्यादा रह सकते हैं, विशेष रूप से एग्रेसिवनेस जो होगी वो मई के बाद देखने को मिलेगा। अब सितंबर की बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए सितंबर में एक तो सूर्य का राशि परिवर्तन तो होगा, पहले अगस्त की बात देखते हैं फिर सितंबर में, अगस्त में सूर्य आपके लगन में आ जाएंगे और स्वगृह हो जाएंगे, मान पद प्रतिष्ठा सब बढ़ने वाला है, क्योंकि राजा अपने घर में जा रहा है, तो जब राजा उच्च का होगा तो भी अच्छा फल, जब राजा अपने घर में जा रहा है तो भी अच्छा फल, इस लगन की कुंडली के अकॉर्डिंग आपको अच्छा देगा। और जब सूर्य 16 को रहेंगे तो 17 को भी यहाँ पर बुध रहेंगे, तो बुध आदित्य योग बनेगा, तो सरकारी विभागों से अगर आपका संबंध है डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो उसमें प्रमोशन के योग देगा, और सूर्य आत्मकारक प्लेनेट है तो आपको आत्मसंतुष्टि भी यहाँ पर देगा, खुशी का माहौल पूरा ये सूर्य यहाँ पर बना कर रखेगा। हालांकि आप एरोगेंट हो सकते हैं, सीधा बोल देंगे मुंह पे, जिससे कि एक निगेटिविटी हो सकती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो ये पॉजिटिव एनर्जी आपको देने वाले हैं। अब हम सितंबर की बात करते हैं। देखिए सितंबर में शुक्र तो लगन में रहेंगे लेकिन बुध सूर्य ये दोनों ही
साथ में धन स्थान पे बैठेंगे। लगन का मालिक अगर धन स्थान पे बैठ जाए और बुध के साथ, और बुध यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर बुध जब उच्च के हो जाएंगे तो निश्चित रूप से धन यहाँ पर बढ़ेगा। यहाँ पर सूर्य योग कारक है, इसलिए द्वितीय स्थान पे भी अच्छा फल देने वाला है, और योग कारक होने के कारण बस एक ही चीज नेगेटिव करेगा, हेल्थ को लेकर पाइल्स की समस्या, इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम, या किडनी के अंदर स्टोन की समस्या, या स्टमक के अंदर किसी तरीके के स्टोन की समस्या इस साल आपको देगा। और इसलिए कहा जाता है, जब भी आपको लगे कि आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है तो आदित्य हृदय स्रोत का आपको पाठ करना चाहिए और सूर्य की आराधना आपको करनी चाहिए। सूर्य को डेली जल दीजिए जिससे कि कभी भी निगेटिविटी ना हो। 23 सितंबर की मैं बात कर रहा था, राहु आपके कर्म स्थान पे आ जाएंगे और उच्च के रहेंगे, और केतु अपना राशि परिवर्तन करके आपके सुख स्थान पे आके उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आते ही अचानक आपको, यहाँ पर आते ही अचानक धन लाभ दे देंगे, अचानक ही आपके प्रमोशन जो आप उम्मीद नहीं करेंगे उससे भी ज्यादा अच्छे प्रमोशन देने के योग यहाँ पे बनाएंगे। तो सितंबर का मंथ आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर की बात देखा जाए तो अक्टूबर में मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि आपका लग्नेश नीच का हो जाएगा, और अक्टूबर में जो मंगल की पोजीशन है वो वक्री भी रहने वाली है, तो उस कारण से भी वाणी उग्र रहेगी और मेहनत आपको करना पड़ेगा। हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, अस्पताल के खर्चों से थोड़ा सा बचिएगा। इस साल जो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ अस्पताल के खर्च ज्यादा होंगे, इसीलिए केवल मैंने 3 स्टार यहाँ पर दिया हुआ है। धन के लिए तो ऑलरेडी 4 स्टार मैंने दिया, धन ठीक ठाक रहने वाला है। तो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर ये तीनों ही मंथ ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज से अच्छे बीतने वाले हैं। अब सामान्य लैंग्वेज में समझा जाए ये पूरा साल सिंह लग्न वालों के लिए कैसा बीतेगा। देखिए हेल्थ के मामले में बात किया जाए तो हेल्थ का जो मालिक है वो शनि है। रोग का मालिक रोग में चल जाए तो अपने घर को बढ़ाता है, रोग को बढ़ाएगा, तो यहाँ पर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। पैसे के लिए तो काफी बढ़िया होने वाला है, मैंने 80% पैसे के लिए दिया है, 60% हेल्थ के लिए। जॉब के लिए टोटल 70% मैंने दिया है 100 में। करियर के लिए 90% करियर अच्छा रहेगा इस पर, और पढ़ाई के लिए 80%, 100 में 80% पढ़ाई के लिए एवरेज आपका रहेगा। लव रोमांस के लिए 80%, ट्रैवलिंग के लिए 70%। तो ये एक जनरल व्यू है कि इस पूरे को अगर हम डिजिटली समझे तो हेल्थ 60%, मनी 80%, जॉब 70%, करियर 90%, स्टडी 80%, लव रोमांस 80% और ट्रैवलिंग 70% होने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम।